हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज लिव द लाइफ यू लव और लव द लाइफ यू लिव, द चॉइस इज योर्स। यानी कि या तो अपने जीवन को बदलने का प्रयत्न करो, उसको चेंज करने का प्रयत्न करो, जो आपको चीज नहीं अच्छी लगती उसके लिए मेहनत करो, ठीक है, या फिर अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो जो आपके पास में जैसा है उसको एक्सेप्ट करो और उसके ऊपर फिर रो नहीं, बिकॉज रोने से चीजें नहीं चेंज होंगी, एक्शन से चीजें चेंज होंगी और एक्शंस लेने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो आपका जीवन नहीं चेंज होने वाला, फिर आपको जो चीज जैसे है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसी बात को स्टार्ट ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। इंडियाज स्टेट शुड इंश्योर ग्रेटर कंप्लायंस ऑन एयर पोल्यूशन। यानी कि हिंदुस्तान के जो भी स्टेट्स हैं, सरकारें हैं, उनको और ज्यादा अनुपालन करना चाहिए किस चीज का, एयर पोल्यूशन के ऊपर कुछ नियम बनाने चाहिए, उनका अनुपालन करना चाहिए। दिल्ली एंड पार्ट्स ऑफ सराउंडिंग स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश एनकाउंटर देयर एनुअल एयर क्वालिटी इन्फ्लेक्शन पॉइंट। पूरे हैं दिल्ली और उसके आसपास के जो स्टेट्स हैं, पंजाब और हरियाणा, उसके कुछ हिस्सों में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में, वहां पे एनुअल हर साल होने वाला एयर क्वालिटी इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट एक वो पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिसके बाद में, जिस पॉइंट के आगे चीजें नियंत्रण से बाहर जाने लग जाती हैं, ठीक है। अब वो किसी भी चीज को लेकर हो सकता है, कोई आप केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं उसको लेकर हो सकता है, कोई आप पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, जैसे अगर हम सपोज करो पानी भी, अगर आपको गैस भी आप चला रहे हैं, तवा गर्म कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में वो तवे में से ना आंच निकलने लग पाती है, धुआं से आपको दिखने लग गया, वो तवा जलना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये जनरल एग्जाम्पल है, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल, आप हर कोई अपने किचन में जाके ये चीज देख सकता है। इसके अलावा अगर टायर में ज्यादा हवा इन्फ्लेट कर देंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में तो वो ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही एयर क्वालिटी का भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है, मतलब वो पर्टिकुलर पॉइंट जिसके आगे चीजें खराब हो सकती हैं। तो हवा का जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट था हम उससे पार जा रहे हैं, उस तक पहुंच चुके हैं। दिस इज द टाइम व्हेन द साउथ वेस्ट मॉनसून हैज रिसीडेड। अब ये पर्टिकुलरली वो समय है जब ऑलरेडी साउथ वेस्ट मॉनसून घट चुका है, एंड विद इट, और उसी के साथ में द ग्रेट ड्राफ्ट, ग्रेट ड्राफ्ट मतलब जो हवा के झोंके आते हैं ना, वो क्या हुए हैं अपर एटमोसफेयर में, इन द अपर एटमोसफेयर दैट नॉर्मली फ्लश आउट पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द गैमट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज सच एज कंस्ट्रक्शन, ड्राइविंग। बोल रहे हैं ग्रेट ड्राफ्ट मतलब हवा के झोंके जो अपर एटमोसफेयर से आते हैं, वो क्या, जो कि आमतौर पर क्या करते हैं, जो भी पोल्यूशन होता है उसको हवा के साथ बाहर ले जाते हैं, ठीक है। गैमट मतलब कि विस्तार से, और एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक मतलब मानव निर्मित, मानव द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज से जो भी पोल्यूशन होता है उसको बाहर ले जाते हैं। अब क्या है मानव द्वारा निर्मित एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन, ड्राइविंग, पावर जनरेशन एंड द बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चरल रेजिड्यू, ये सब चीजें हैं ह्यूमन मेड पोल्यूशन होता है इससे, ठीक है। तो इन सब चीजों से क्या होता है, वो पोल्यूटेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं, प्रदूषण इकट्ठा हो जाता है, जिसको वो हवा बहा ले जाती है। बट अब क्योंकि वो हवाएं कम हो चुकी हैं तो वो पोल्यूशन एक जगह पर स्थिर हो चुका है। थ्रू द ईयर्स देयर हैव बीन स्टडीज कमीशन एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन इनिशिएटेड। बोल रहे हैं थ्रू द ईयर्स मतलब कई सालों से लगभग, अब देयर हैव बीन स्टडीज, बहुत सारी स्टडीज की जा रही हैं, एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस इनिशिएटेड टू स्टडी, और एग्जीक्यूटिव कार्रवाई की जा रही है, यानी कि आधिकारिक स्तर से कार्रवाई की जा रही है कि वो जांच कर सकें, एक्नॉलेज एंड एड्रेस द क्राइसिस, पहले जांच करें, समझें, फिर उसके अंदर जो भी कमियां हैं उनको जांचें और फिर उसको एड्रेस करें, यानी कि कुछ नियम बनाएं जिससे वो निपट सके। द साइंस इज ऑल्सो फेयरली क्लियर। अब इसके पीछे की जो साइंस है वो भी बड़ी एकदम साफ है। ऑन द रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स एंड द लिमिट्स ऑफ करेक्टिव इंटरवेंशन इन द फेस ऑफ एडवर्स मेट्रोलॉजी। बोल रहे हैं इसके पीछे की जो साइंस है कि कितना पॉल्यूटेंट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है और उसको सही करने के लिए कितना हम स्तर तक अच्छे से प्रयास करते हैं, करेक्टिव इंटरवेंशन करते हैं, किसके सामना करते हैं और किसके ऊपर, मेट्रोलॉजी,
एडवर्स मेट्रोलॉजी यानी कि बहुत ही खराब अनफेवरेबल मौसम विज्ञान के ऊपर एंड डिस्ट्रप्शन टू इकोनॉमिक लाइफ दैट दिस कैन एंटेल, और जो इकोनॉमिक लाइफ यानी कि हमारी जो इकोनॉमी है उसको कितना नुकसान पहुंचता है, कितना उसमें खराब हो जाती है स्थिति इन सब चीजों की वजह से। ठीक है, कुछ इसकी साइंस जो है वो हमें पता है कि भाई क्या करने से क्या होगा, इस पोल्यूटेंट को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सरकारें बार बार बोलती हैं पराली मत जलाओ, बट स्टिल होता है वो चीज। ठीक है, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इज दैट द एयर पोल्यूशन क्राइसिस हैज नाउ, बोल रहे हैं इसका परिणाम ये हुआ है कि जो एयर पोल्यूशन का जो क्राइसिस है हैज नाउ डेवलप्ड इनटू स्टेलमेंट, अब ये ठीक है गतिरोध की तरह काम कर रही है। द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये एक संस्था है द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट विच इज टास्क विद एड्रेसिंग द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली एंड द एडजॉइनिंग स्टेट्स, जिसका काम क्या है, जिसका मुख्य काम यही है कि वो एयर पोल्यूशन की जो समस्या है दिल्ली और उसके आसपास के स्टेट्स में उनसे निपटे। इज नाउ अ बॉडी पैक्ड विद एक्सपर्टीज बट हूज पावर्स आर लिमिटेड टू इवोकिंग एंड रिकमेंडिंग ग्रेड्स ऑफ मेजर्स डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ डिटेरेशन इन एयर क्वालिटी, बोल रहे हैं जिनके पास में ये उनके पास में एक्सपर्टीज तो है लेकिन अब उनके पास में पावर नहीं है, उनकी पावर जो है वो लिमिटेड है कि वो केवल क्या कर सकते हैं, समन कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं किस चीज को और रेकमेंड कर सकते हैं किस चीज को, ग्रेड्स को कि भाई हवा का स्तर इतना हो गया है, अब आप ये मेजर्स अपनाइए, अब आप मास्क लगा के जाइए, अब आप इस दौरान में बाहर ना निकलिए, लेकिन उस प्रदूषण को कम करने के लिए वो कुछ नहीं कर सकते। व्हाइल द CAQM पॉइंटेड आउट एज रिसेंटली एज October 31 दैट द डेली एवरेज एयर क्वालिटी इन दिल्ली फ्रॉम जनवरी टू अक्टूबर ऑफ दिस ईयर वाज द बेस्ट इन द लास्ट 6 ईयर्स, बोल रहे हैं CAQM ने ये चीज जरूर बोली है 31 अक्टूबर को कि जो हर दिन की एयर क्वालिटी थी दिल्ली में जनवरी से अभी अक्टूबर तक वो बेस्ट थी, पिछले 6 सालों की सबसे बेस्ट थी। It elides the fact that the number of days in November when air quality becomes severe over 450 AQI has remained roughly the same. लेकिन उन्होंने इस बात को भी छुपाया है कि जो एयर क्वालिटी रही है नवंबर के महीने में, वो चाहे जितने भी दिन हुए, अभी नवंबर के ज्यादा दिन तो नहीं हुए पर जितने भी दिन हुए नवंबर महीने के, उसमें जो एयर क्वालिटी है वो अक्टूबर तक का मतलब पिछले 6 सालों का जो डेटा रहा उसी के बराबर रहा। ठीक है, यानी कि उतनी ही खराब रही है। Thus, in 2022, the AQI was in severe category in the first fortnight of November for 3 days. बोल रहे हैं इसीलिए 2022 में जो AQI था वो सबसे गंभीर स्तर पर था for the first fortnight. पहले जो 2 वीक्स थे, fortnight मतलब 2 वीक्स, नवंबर के पहले 2 वीक्स में फॉर 3 डेज, द सेम एज इन 2021 जो कि 2021 में भी ऐसे रहा, 2020 में भी और 2019 में भी। वाइल देयर इज ग्रेटर अवेयरनेस एंड एक्शन टू कर्ब द सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन, बोल रहे हैं कि हालांकि लोगों में जागरूकता है कि क्या करना चाहिए, कैसे इन पोल्यूशन के सोर्सेज को रोका जाए, नवंबर विच हैज इन रीसेंट ईयर्स इमर्ज्ड एज क्रिटिकल मंथ फॉर पोल्यूशन, लेकिन नवंबर जो कि पिछले कुछ सालों में बहुत ही खराब एक क्रिटिकल क्रूशल इंपॉर्टेंट महीना रहा है पोल्यूशन के लिए, रिमेन टू बी टेम्ड, अभी तक हम इसके ऊपर काबू नहीं पाए, टेम मतलब काबू करना। इंसिडेंट्स ऑफ स्टबल बर्निंग इन पंजाब हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश दिस ईयर हैव बीन रफली हाफ दैट When compared to previous years, अब बोल रहे हैं कि अब पहले तो पराली के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि पराली की वजह से हो रहा है, पराली की वजह से हो रहा है, लेकिन ये बात भी गौर करने वाली है कि अभी तक पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जो स्टबल बर्निंग पराली जलाने के जो इंसिडेंट्स हुए हैं वो पिछले सालों के कंपेरिजन में आधे हैं। ठीक है, दो The weeks ahead are expected to see more such activity. लेकिन आगे आने वाले हफ्तों में और बढ़ सकती है ये घटनाएं। While the measures earlier have seen an institutionalized response to tackle air pollution, बोल रहे हैं कि पहले के जो measures हैं वो institutionalized कर दिए गए, उनका जो response था वो ऐसा देखा जा रहा था कि वो मतलब किसी particular institution के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है जो कि air
जैसे कि ये संस्था डील करे, इसके साथ में वो काम करे, उनका काम है, हमारा काम नहीं है, ठीक है, तो वो ऐसा देखा जा रहा था. इट इज नाउ टाइम फॉर कंसर्टेड अप्रोच टू एड्रेस दीज चैलेंजेस ऑफ नवंबर. लेकिन अब ये बहुत ज्यादा मुख्य समय है जब हमें ठोस कदम उठाने चाहिए. अगर ये नवंबर महीने में आने वाले जो ये चैलेंजेस हैं उनको हमने डील करना है तो Beyond stubble burning, this means addressing the more daunting challenges of vehicular pollution. बोल रहे हैं stubble burning से अगर आगे हम निकल के देखें तो केवल stubble burning ही तो नहीं है ना कारण pollution का. इसका मतलब ये होता है, this means इसका मतलब ये है कि addressing यानी कि हमें और चीजों से भी निपटना है जो कि क्या है, ज्यादा daunting, daunting मतलब डरावना. चैलेंज क्या है, चैलेंज वो vehicular pollution and construction dust. While urban Delhi could have always blamed the distant farm fires for the pollution crisis, tackling November may mean hard measures. बोल रहे हैं हालांकि जो शहरी दिल्ली है उसने हमेशा ये इल्जाम किसके ऊपर लगाया कि जो फार्म फायर्स होती हैं वो पोल्यूशन का मुख्य कारण है, उनकी वजह से ज्यादा पोल्यूशन होता है. फिर भी नवंबर से निपटना मे मीन इसका मतलब ये हो सकता है कि हार्ड मेजर्स एंड ग्रेटर इनकन्वीनियंस की बहुत कठोर तरीके अपनाने पड़ेंगे जिसकी वजह से लोगों को इनकन्वीनियंस ज्यादा होगी. बॉडीज सच एज CAQM हैव टू assert देयर इंडिपेंडेंट credentials एंड इंश्योर ग्रेटर coordination. बोल रहे हैं कि जो संस्थाएं हैं जैसे कि CAQM इनको और ज्यादा जोर देना होगा अपने इंडिपेंडेंट credentials यानी कि जो उनकी क्वालिफिकेशन है, जो उनकी जिस मंशा से उनको बनाया गया था उस काम को करने के लिए उनको जोर देना पड़ेगा. एंड इंश्योर और उनको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि सब लोग एक साथ मिलकर काम करें, सिंक्रोनाइज्ड काम करें. एंड कंप्लायंस विद इन डेली एंड सराउंडिंग स्टेट्स टू एड्रेस द चैलेंज. और एक साथ मिलकर काम करें जिस कहां पे दिल्ली में और उसके आसपास के स्टेट्स में भी ताकि इस चैलेंज से निपटा जा सके. तो ये था पैसेज. आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा. इसका वर्ड टू वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा. और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि आप वो कैब भी दे दो, तो बेटा वो कैब आपको पूरी की पूरी पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल में मिल जाती है. आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल से और वो पूरा डॉक्यूमेंट में आपको पूरा आर्टिकल मिल जाएगा, क्वेश्चनेयर मिल जाएगा, वो कैब मिल जाएगी. बेस्ट तरीका पढ़ने का यही है कि पहले आप पैसेज विद वो कैब पढ़ो, ठीक है, उसके बाद खुद से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, उसके बाद आके आप ये ऑडियो सुन के वीडियो देख के अपना क्वेश्चन एनालिसिस करो, ठीक है. बेस्ट वे तो यही होगा. आपको स्टार्टिंग के कुछ दिन लगेगा कि टाइम कंज्यूमिंग है, बट जब आपकी एक बार प्रैक्टिस बन जाएगी ना फिर आपके लिए करना इजी हो जाएगा, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी शायद वीडियो देखने की भी. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं. अकॉर्डिंग टू पैसेज, व्हाट इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू एयर क्वालिटी इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग नवंबर. बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार कौन सा एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से नॉर्थ इंडिया में नवंबर महीने में एयर क्वालिटी जो है इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक पहुंच जाती है. द कंप्लीट सेसेशन ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज यानी कि जो मानव निर्मित एक्टिविटीज हैं वो पूरी तरह से रोक दी जाती हैं. द रिसीडिंग साउथ वेस्ट मानसून एंड सब्सिक्वेंट स्टैग्नेशन ऑफ अपर एटमोसफेयर ड्राफ्ट. बोल रहे हैं कि साउथ वेस्ट मानसून कम हो रहा है और साथ ही साथ जो अपर एटमोसफेयर में हवा के झोंके जो चलते हैं, जो हवा बहती है, प्रवाहित होती है, वो भी ठहराव में आ गई है, रुकावट में आ गई है, गतिरोध में आ गई है. सो बिल्कुल करेक्ट है, यही आंसर बताया था उनने. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. What is the role of the Commission for Air Quality Management as discussed in the passage? बोल रहे हैं Commission for Air Quality Management का क्या रोल था. तो उनका रोल यही था कि वो स्ट्रिक्ट लॉज बनाएं और एयर पोल्यूशन को आसपास के इलाकों में और वहां पे ऐसे रिकमेंडेशंस दें, ऐसे नियम बनाएं जिनको फॉलो किया जाए और ये जो है एयर क्वालिटी का लेवल वो इम्प्रूव हो, ठीक है. टू एनफोर्स स्ट्रिक्ट लॉज टू कम्प्लीटली स्टॉप द बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चर रेजिड्यू. केवल इसके लिए तो नहीं बनाई गई थी ना, हम ये तो नहीं पूरा ब्लेम डाल सकते कि पूरा का पूरा पराली की वजह से ही हो रहा है, एग्रीकल्चर रेजिड्यू जो है उसी की वजह से हो रहा है, पूरा ब्लेम तो नहीं डाल सकते ना. हमें पता है गाड़ी की वजह से और बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से हो रहा है. टू रेगुलेट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्ट्रिक्टली ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर. की नवंबर के महीने में इकोनॉमिक एक्टिविटीज चाहे फैक्ट्री प्रोडक्शन हो, कंपनी मैनेजमेंट हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, तो इन सब चीजों को रोका जाए या रिस्ट्रिक्ट किया जाए, रेगुलेट किया जाए, तो ये भी करेक्ट नहीं है. टू अंडरटेक एंड इम्प्लीमेंट मेजर एग्जीक्यूटिव एक्शंस विदाउट द नीड फॉर स्टेट कंप्लायंस. की
बहुत कठोर मेजर एक्शंस, आधिकारिक एक्शंस लिए जाएं जिनको कि जरूरी नहीं है कि सरकारें माने। तो जब एक्शंस लिए जाएं और सरकारें माने ही नहीं, फिर फायदा क्या उसका, है ना? तो ये भी इनकरेक्ट है। टू एड्रेस द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन एंड रिकमेंड मेजर्स बेस्ड ऑन एयर क्वालिटी लेवल्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट, कि जो मुख्य कारण है एयर पोल्यूशन के उनसे निपटा जाए और ऐसे तरीके, ऐसे मेजर्स बनाए जाएं, लॉज बनाए जाएं, नियम बनाए जाएं जिनसे कि एयर क्वालिटी का जो लेवल है वो इम्प्रूव हो। What inference can be drawn from the passage regarding the air quality in Delhi during November? कि नवंबर के महीने में दिल्ली में जो एयर क्वालिटी है उसके बारे में कौन सी बात जो है एक पैसेज से हम समझ सकते हैं? तो यही है कि नवंबर महीने में तो लगातार बनी हुई है एयर क्वालिटी की, वही खराब स्थिति रहती है नवंबर महीने। चलिए देखते हैं। Despite improvements in daily average air quality from January to October, the severity of pollution in November remains unchanged. बिल्कुल करेक्ट है ये कि भाई जनवरी से अक्टूबर में तो ठीक है, अच्छा रहा, डेली का एवरेज पोल्यूशन भी कम रहा पिछले 6 सालों के कंपैरिजन में, पर नवंबर महीने में आके पूरा मटिया मेल हो गया। नवंबर महीने में वही स्थिति जस की तस बनी हुई है, ठीक है? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट प्रेजेंटेड इन द पैसेज, बोल रहे हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो इस पैसेज में दिए गए जो तर्क हैं उनको बिल्कुल सही तरीके से स्ट्रक्चर करती है। द कॉज एंड इफेक्ट नैरेटिव डिटेलिंग द फैक्टर्स लीडिंग टू सिवियर एयर पोल्यूशन एंड द रिजल्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस। तो हमने इसमें कॉज एंड इफेक्ट नैरेटिव नहीं बताया कि ये चीज है इसकी वजह से ये हो रहा है ना, वैसा नहीं बताया, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस दैट आउटलाइंस द हिस्ट्री ऑफ एयर क्वालिटी इन दिल्ली ओवर पास 6 ईयर्स, ये भी इनकरेक्ट है। हमने पिछले 6 सालों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस नहीं स्टडी करा है कि भाई 2019 में ऐसा था, 2019 में इतना था, 2020 में इतना हो गया, 2021 में इतना हो गया, ऐसे नहीं स्टडी करा ना हमने। बीच में एक स्टेटमेंट में 2019-20-21 का जिक्र आया है, वो भी जब कंपेरिजन कर रहे थे। A problem-solution model that presents the issue of air pollution and a range of measures taken to address it. Possibility है, क्योंकि देखो problem बताई कि भाई दिल्ली में नवंबर महीने में pollution का स्तर जो है बढ़ गया, ठीक है, और उसके लिए जो measures बताए गए कि भाई हमने CAMQ बनाया है, हमने और संस्थाएं बनाई हैं, उनका काम है check करना, ठीक है, ये सब चीजें बताएगी, तो फिर क्या करेंगे, उनको स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए। सो ऑप्शन सी पॉसिबिलिटी है। डी भी देख लेते हैं, फिर फाइनल क्लोजर देते हैं। एन इवैल्यूएशन क्रिटिक दैट असेसेस द परफॉर्मेंस ऑफ द CAQM इन डीलिंग विद नवंबर्स एयर पोल्यूशन। तो देखो भाई, हमने यहाँ पे CAQM की कार्य प्रणाली और उसने अभी तक जो काम किया है उसको एनालिसिस नहीं किया है, ठीक है, हमने उसको इवैल्यूएट तो नहीं किया ना, हमने बस ये बोला है कि हमने एक संस्था बनाई है इस चीज को डील करने के लिए और उनकी जिम्मेदारी है कि वो कुछ एक्शंस लें जिनको सरकारें भी फॉलो करें, उनका अनुपालन करें, स्ट्रिक्टली उनका अनुपालन करें, ठीक है। सो ऑप्शन डी फिट नहीं बैठ रहा, तो बच गया हमारे पास केवल ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज की टोन काफी क्रिटिकल है। एयर पोल्यूशन का सीवियर होना, इसको क्राइसिस बताना, स्टेलमेंट बताना, ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो है ये हाईलाइट करते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। सो ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव कुछ नहीं दिख रहा, इनडिफरेंट फर्क ना पड़ने वाली भी कोई स्थिति नहीं है, धुंध छाई हुई है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है इतने ज्यादा, खांसी खांसी, एक एक वर्ड बोलने के बाद खांसी आ रही है। अभी आपका वीडियो भी जो है ये 10 जगह से एडिट होगा क्योंकि बीच में इतनी ज्यादा खांसी आ रही है बोलते बोलते, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम है, बहुत सीवियर प्रॉब्लम है। अब पंजाब में पोल्यूशन शायद इतना नहीं है, बट पराली का धुआं जो है जिसने आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ, एस्थमा के मरीजों को सोचो कितनी परेशानी हो रही होगी, जिन्होंने अभी अभी ऑपरेशन कराया उनको कितनी परेशानी हो रही होगी। तो ये सब चीजें बहुत क्रिटिकल एक इशारा करती हैं कि भाई स्थिति बहुत गंभीर है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेलिब्रेटरी तो हो ही नहीं सकता कोई खुशी का, यहाँ पे हम जश्न तो किसी चीज का मना नहीं रहे, पोल्यूशन बढ़ गया वाह सेलिब्रेट करते, ऐसा तो नहीं है ना। सो ऑप्शन सी क्रिटिकल इज करेक्ट। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज, द एनुअल कल्चरल फेस्टिवल्स ऑफ दिल्ली एंड नेबरिंग स्टेट्स, क्या ये मेन थीम है? एनुअल, हमने कोई कल्चरल फेस्टिवल की बात करी है यहाँ पे? नहीं ना। सो इनकरेक्ट।
the improvement in air quality management techniques over 6 years, कि पिछले 6 सालों में air quality के management करने के तरीकों में कितना अच्छा सुधार आया है, उसके बारे में भी चर्चा नहीं हुई है. सुधार आया होता तो नवंबर महीने में आके चीजें फिर से वहीं की वहीं नहीं रह जाती, जस की तस नहीं रह जाती. The challenge of addressing severe air pollution in Delhi and surrounding areas, option C correct है. मुख्य पैसेज इसी बारे में है कि भाई दिल्ली और उसके आसपास के जो स्टेट्स हैं वहां पे जो सीवियर एयर पोल्यूशन की समस्या है वो उसका क्या किया जाए. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फॉर्म अ कोहरेंट पैराग्राफ. The educated youth engaged in or aiming for salaried placements have borne the brunt of job losses and contraction of the economy. बोल रहे हैं वो लोग, वो पढ़े लिखे युवा नौजवान लोग जो या तो नौकरी में सैलरी वाली नौकरी करते हैं या फिर उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, जो जॉब लॉसेस और इकोनॉमी में कमी आने की वजह से, गिरावट आने की वजह से जॉब लॉसेस हुए हैं, इनका सबसे ज्यादा जो बोझ है वो इन्हीं लोगों के ऊपर पड़ता है. सही है बात की नहीं है? TCS अगर कट कर देगा, अभी आपको पता है कि ये TCS, विप्रो जो कंपनी है, कॉग्निजेंट, ये सब क्या है, बल्क में प्लेसमेंट्स करती हैं, बट इन्होंने इस साल अपने प्लेसमेंट्स ना करने की बात कही या कम करने की बात कही, कैंपस प्लेसमेंट्स नहीं करने की बात कही है, विच मीन्स इंजीनियरिंग कॉलेजेस के मैक्सिमम ज्यादातर बच्चे जो है इस साल प्लेसमेंट के लिए धक्के खाएंगे, राइट. और बाकी आपको गूगल, बाकी कंपनीज का हाल पता ही है, एक्स जो कि ट्विटर से एक्स बना है, उसने कट कर दिए हैं एम्प्लॉयज, गूगल ने कट कर दिए हैं, सारी कंपनीज कर रहे हैं, अमेज़न सब कर रहे हैं. तो भार किसके ऊपर पड़ेगा? इकोनॉमी खराब हो, बोझ किसके ऊपर पड़ेगा? उन नौजवान लोगों के ऊपर, मिडिल क्लास लोगों के ऊपर, उन नौजवान लोगों को जो जॉब करने जा रहे हैं. द ह्यूज नंबर ऑफ ओवर क्वालिफाइड यूथ्स सीकिंग दिस कंपैरेटिवली लो लेवल गवर्नमेंट जॉब फर्दर रिफ्लेक्ट्स द डेस्परेट स्टेट ऑफ अफेयर्स. बोल रहे हैं जो इतने भारी संख्या में बच्चे जो कि ओवर क्वालिफाइड हैं, कोई एक जॉब होती है रिक्वायरमेंट कि भाई ये क्लर्क की जॉब है, इसके लिए हमें 10th मिनिमम चाहिए, कि मिनिमम आपकी 10th क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 10th पास होने चाहिए आप, तो आप इस जॉब के लिए एग्जाम दे सकते हैं. बट यहाँ पे बीटेक वाला बच्चा भी दे रहा है, एम टेक वाला बच्चा भी दे रहा है, और PhD वाला बच्चा भी इस एग्जाम को दे रहा है. तो बोल रहे हैं कि इतनी छोटी सी जॉब के लिए भी अगर इतनी भारी संख्या में ओवर क्वालिफाइड युवा लोग दे रहे हैं, अपेयर कर रहे हैं, तो ये बताता है कि भाई क्या स्थिति है, स्थिति कितनी गंभीर है, ठीक है, इस चीज की तरफ इशारा करता है. अनफॉर्चुनेटली पंजाब has been in the throes of an employment crisis for some years now. बोल रहे हैं कि बड़े दुख की बात है कि पंजाब जो है इस दर्द से जूझ रहा है, जो employment crisis है पूरे देश भर में, वो पंजाब में पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ता जा रहा है. But gravely the severe blow dealt by the pandemic induced lockdown seems to have aggravated the situation. बोल रहे हैं लेकिन बड़े दुख के साथ में एक लगता है कि जो सीवियर झटका लगा है पेंडेमिक की वजह से, पेंडेमिक के साथ में जो लॉकडाउन आया था उसकी वजह से, उसने स्थिति को और ज्यादा गंभीर कर दिया है. दिस इज अपेरेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट 1,152 पोस्ट ऑफ पटवारी रिसेंटली थ्रोन ओपन हैव ड्रॉन एज मेनी एज 2.33 लाख एस्पिरेंट्स. ये साबित होता है इस बात से कि 1,152 पोस्ट जो है पटवारी की, वो उनको उनके लिए क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन मांगे गए, जिसके लिए 2.33 लाख बच्चों ने एप्लीकेशन दायर किए. ठीक है, तो इस पूरे पैसे से हमें एक चीज समझ में आ गई कि एस स्टेटमेंट जो है वो एक एग्जाम्पल बता रही है कि जहां पे 1000 प्लस पोस्ट पटवारी की निकली जिसके लिए 2.33 लाख बच्चों ने अप्लाई करा. ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है. और इसी के लिए क्यों स्टेटमेंट में बोला गया कि सीकिंग दिस कंपैरेटिवली लो लेवल गवर्नमेंट जॉब, जो कि फर्दर बताता है कि भाई स्थिति कितनी गंभीर है. तो एस स्टेटमेंट के बाद में क्यू स्टेटमेंट आएगा, हमें इस चीज की क्लैरिटी हो गई है. ठीक है, यहां पे एस के बाद में पी आ रहा है, एस के बाद में क्यू आ रहा है, एस के बाद में क्यू आ रहा है, यहां पे क्यू एस से पहले आ रहा है, इनकरेक्ट है.
फर्स्ट स्टेटमेंट होगा जहां पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है पैसेज को कि भाई अनफॉर्चुनेटली पंजाब जो है वो एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस के दर से जूझ रहा है पिछले कई सालों से, और स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई जब पेंडेमिक की वजह से लॉकडाउन लगाया गया। ठीक है, तो आर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। अब देखो यहां पे एस फर्स्ट स्टेटमेंट है, यहां पे आर फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, आर पी एस क्यू। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। दिस इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ इंडियाज इनकरेजिंग इकोनॉमिक रिकवरी, बोल रहे हैं ये एक एक्नॉलेजमेंट है, यानी कि स्वीकार करने वाली बात है, स्वीकारता है किस चीज की, कि भाई इंडिया की इकोनॉमी जो है वो रिकवर कर रही है और उसको प्रोत्साहन देने की बात है। इवन एज द कंट्री इज बैटलिंग द सेकेंड वेव ऑफ पेंडेमिक, हालांकि फिर भी अभी देश जो है दूसरी वेव जो है पेंडेमिक की उससे जूझ रहा है। Citing the revival of private consumption and investment, अब किसके बात कहते हुए कि भाई private consumption बढ़ी है, revive हुई है, investment revive हुई है, the World Bank recently scaled up its projections for India's GDP growth to 10.1% for 2021-22, बोल रहे हैं। तो क्या हुआ कि इन दोनों चीजों का हवाला देते हुए World Bank ने रिसेंटली अपनी रिपोर्ट निकाली होगी, उसमें उनने इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन बताया है वो बोला है कि 10.1% रहेगा 2021-22 के लिए, कंसिडरेबली अप फ्रॉम 5.4% दैट इट हैड फॉरकास्ट इन इट्स जनवरी रिपोर्ट, और जो कि बहुत हाई है क्योंकि पहली जो उनकी जनवरी में रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने 5.4% फॉरकास्ट किया था। वर्ल्ड बैंक, अब दिस से स्टार्ट हो रहा तो पी फर्स्ट स्टेटमेंट तो नहीं हो सकता, दिस इज एन एक्नॉलेजमेंट, कोई घटना हुई होगी जो कि एक एक्नॉलेजमेंट की तरह लग रहा है कि भाई इंडिया की इकोनॉमी जो है रिकवर कर रही है। ठीक है, तो पी हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकती, ऑप्शंस में कहीं है भी नहीं पी फर्स्ट स्टेटमेंट। वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैज नेम्ड इंडिया अमंग द थ्री नेशंस, द अदर बीइंग यूएस एंड चाइना, विच आर सेटिंग द पेस फॉर फास्टर ग्लोबल ग्रोथ ऑन द बैक ऑफ स्ट्रॉन्ग रिबाउंड्स। अब यहां पे वर्ल्ड बैंक का इंट्रोडक्शन किया गया, उनके प्रेसिडेंट का इंट्रोडक्शन किया गया, और उन्होंने इंडिया का नाम दिया है तीन देशों के लिस्ट में, और बाकी दो कौन है, यूएस और चाइना है, जो कि फास्ट ग्लोबल ग्रोथ की तरफ तेजी से गति कर रहे हैं ऑन द बैक ऑफ स्ट्रॉन्ग रिबाउंड्स, क्योंकि वो वापस बहुत तेजी से उठ खड़े हुए हैं, स्ट्रांगली उठ खड़े हुए हैं। हाउएवर, अब हाउएवर से स्टार्ट है तो ये भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैसेंट टू एड दैट इन व्यू ऑफ अनसर्टेनिटी कॉज्ड बाय द रिसर्जेंस ऑफ कोविड केसेस इन द कंट्री, बोल रहे हैं लेकिन फिर भी ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है कौन है, वर्ल्ड बैंक है, तो उसी की बात कर रहे होंगे। तो यहां से भी क्लैरिटी होगी कि आर जो है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, वो उसने बहुत जल्दबाजी दिखाई है टू एड कि ये कहते हुए कि भाई अगर अनसर्टेनिटी कॉज हुई, रिसर्जेंस अगर कोविड दोबारा आया सतह पर और उसकी वजह से कुछ भी अनिश्चितता हुई देश में, द रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर कुड रेंज फ्रॉम 7.5 to 12.5%। तो क्या होगा कि देश की जो जीडीपी ग्रोथ है वो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 2021-22 वाला जो फाइनेंशियल ईयर के, उसका 7.5 से 12.5% के बीच में रहेगी। मालपास, अब मालपास कौन है, जो यहां पे मेंशन किया गया कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। तो देखो हमें ये चीज पता है कि पहले किसी व्यक्ति का पूरा इंट्रोडक्शन दिया था, उसके बाद ही कोई भी आप उसका एब्रीविएटेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, सरनेम इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट नेम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहां पे सेकेंड नेम इस्तेमाल किया जा रहा है, डेविड मालपास इस्तेमाल किया जा रहा है, दैट मीन्स एस हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। तो हमारे ऑप्शन हट गए, आर भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, एस भी नहीं होगा, तो केवल क्यू फर्स्ट स्टेटमेंट रह गया, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी इसमें से करेक्ट है। हैज मेड इट क्लियर दैट फास्टर अप्रूवल एंड रोल आउट ऑफ वैक्सीन आर वाइटल फॉर सेफ गार्डिंग नेशनल एज वेल एज ग्लोबल इंटरेस्ट, बोल रहे हैं कि उनने ये बात साफ करी है कि अगर हमें फास्टर अप्रूवल करना है तो क्लियर दैट फास्टर अप्रूवल एंड रोल आउट ऑफ वैक्सीन आर वाइटल, ये बहुत जरूरी है फास्टर की जल्द से जल्द वैक्सीन को अप्रूव किया जाए, उनको बाहर ऑथराइजेशन देने हैं, वो बहुत जरूरी है अगर हमें देश को और ग्लोबल इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना है, उनके हित के बारे में सोचना है। तो ठीक है, तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा क्यू हो गया, उसके बाद में सेकेंड स्टेटमेंट आता है जहां पे क्योंकि इंडिया का नाम लिया गया
तो बाकी दोनों यूएस और चाइना के साथ में, तो ये क्या है, ये एक्नॉलेजमेंट है कि इंडिया जो है उसकी इकोनॉमी रिकवर कर रही है और उसको प्रोत्साहन देना भी है. तो क्यू फर्स्ट स्टेटमेंट होगा और पी सेकेंड स्टेटमेंट होगा. ठीक है, अब ऑप्शंस में देखो, ए में है क्यू फर्स्ट स्टेटमेंट पी सेकेंड स्टेटमेंट, बी में है क्यू फर्स्ट स्टेटमेंट एस सेकेंड स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट हो गया. तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्यू पी आर एस. These middlemen have also been lending money to them. These कौन से, कोई किसी की पहले जिक्र किया होगा, उन्हीं बिचौलियों की बात की जा रही है. ठीक है, तो P first statement नहीं होगा. Options में से केवल Q और S first statement दिया गया है. बोल रहे हैं कि ये जो middlemen है ये सालों से, सदियों से, दशकों से उन लोगों को पैसा भी उधार में देते हैं फॉर बाइंग इनपुट, जिसके जरिए वो शायद इनपुट्स कुछ भी हो सकता है, फसल हो सकता है, बीज हो सकता है, यूरिया हो सकता है, वो खरीदते हैं. ऑल्बिट और एट स्टिफ इंटरेस्ट रेट, और फिर किसमें काफी मजबूत स्टिफ कठोर, मतलब इंटरेस्ट रेट्स उनके काफी ज्यादा होते हैं, बट फिर भी वो देते हैं और लोग लेते भी हैं क्योंकि पेपर वर्क कम होता है. पंजाब हैज अराउंड 47,000 रजिस्टर्ड अर्थियर्स हु मेक अबाउट 1,500 करोड़ एनुअली एज कमीशन फॉर देयर सर्विसेज. बोल रहे हैं पंजाब में 47,000 आधिकारिक तौर पे रजिस्टर्ड अर्थियर्स हैं. अर्थियर्स मतलब मिडलमैन, जो कि सालाना 1,500 करोड़ कमीशन के जरिए, अपनी कमीशन सर्विसेज के जरिए कमाते हैं, इंक्लूडिंग पासिंग ऑन द पेमेंट्स टू द फार्मर्स. और इसमें कि किसानों को पेमेंट्स पास करना भी एक उनका कमीशनिंग वाला सर्विस है, वो भी शामिल है. पंजाब इज इंसिस्टिंग ऑन डूइंग इट द राउंड अबाउट वे. बोल रहे हैं पंजाब अभी जोर दे रहा है कि इसको घुमा के किया जाए, इसको कुछ इनडायरेक्ट वे से किया जाए. फॉर डेकेड्स अर्थियर्स और कमीशन एजेंट्स हैव बीन हेल्पिंग फार्मर्स एट एवरी सिंगल स्टेज. बोल रहे हैं दशकों से क्या हो रहा है कि जो अर्थियां हैं या जिनको कि कहें कमीशन एजेंट्स हैं, वो किसानों की हर एक स्तर पे मदद कर रहे हैं. राइट फ्रॉम द क्रॉप्स अराइवल इन द मंडी टू इट्स परचेज बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज. चाहे जब क्रॉप मंडी में आती है तब से लेके जब तक उनको प्राइवेट एजेंसीज या सरकार खरीद नहीं लेती, तब तक ये अड़ती है, उनकी हेल्प करते हैं. द स्टेट फियर्स दैट द स्विच ओवर वुड हेराल्ड द एंड ऑफ इट्स टाइम टेस्टेड अर्थिया सिस्टम एंड इम्पैक्ट इट्स एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी. अब सरकार को डर है कि अगर ये जो बदलाव आता है तो ये क्या करेगा, ये रोक लगा देगा, एक शुरुआत होगी उन अंत की. किसकी अंत की, जो उनका समय से परखा गया, सदियों से परखा गया अर्थिया सिस्टम है उसका अंत होगा. इम्पैक्ट और उनका जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है उसके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा. द सेंटर एंड पंजाब गवर्नमेंट आर एट द लॉजर हेड्स ओवर इम्प्लीमेंटिंग द डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर सिस्टम फॉर मेकिंग पेमेंट्स डायरेक्टली टू द फार्मर्स फॉर देयर प्रोड्यूस. बोल रहे हैं कि केंद्र और पंजाब सरकार जो है वो आमने सामने आ गए हैं, एकदम विपरीत, एकदम द्वंद की स्थिति में है. किस चीज के ऊपर, ओवर इम्प्लीमेंटिंग की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, उसके ऊपर दोनों सरकारें आमने सामने हो गई हैं. अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम क्या है, वो एक पेमेंट का एक मेथड या नया लॉ कुछ है जिसमें कि किसानों की फसल का पैसा डायरेक्टली उनके अकाउंट में आएगा. ठीक है, ये फैसला है और इसके ऊपर दोनों के बीच में मतभेद चला है. तो एस जो है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेंटर और पंजाब गवर्नमेंट का जिक्र किया गया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम का जिक्र किया गया, उसके बारे में बताया गया और जिसके ऊपर ये सारा पैसेज है कि दोनों सरकारें क्यों आमने सामने आ गई हैं और पंजाब गवर्नमेंट को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम से क्यों आपत्ति है. तो उसके बाद में क्या आएगा कि भाई पंजाब सरकार को डर है कि ये जो बदलाव आएगा इससे उनका जो समय से सदियों से चला आ रहा अर्थिया सिस्टम है उसका खात्मा हो जाएगा, जिसकी वजह से वहां के एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी को प्रभाव होगा. ठीक है, एस के बाद में आर. अब देखो क्यू तो है नहीं ऑप्शन फर्स्ट, यहां पे एस के बाद में आ रहा है, यहां पे एस के बाद में आ रहा है, यहां पे एस के बाद में पी आ रहा है, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो गया. ठीक है, अब आगे चलते हैं. देखो
एक और चीज हमें पता चले कि सदियों से अड़तिया जो है वो उनकी मदद कर रहे हैं, और कैसे कैसे मदद कर रहे हैं कि फसल आने से लेके फसल के खरीदे जाने तक मदद करते हैं। उसके अलावा ये किसानों को पैसा भी मुहैया कराते हैं, हालांकि काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स पर फिर भी देते हैं। ठीक है, तो क्यों पी से पहले आएगा, राइट? तो यहाँ पे देखो, पी पहले आ रहा है, क्यू बाद में, यहाँ पे क्यू पहले पी बाद में, तो हमारा ऑप्शन सी एस आर क्यू पी इज करेक्ट। The play I saw last night was a dash. Idiom यहाँ पे फिट करना है, तो hit the road इसका मतलब होता है सड़क पर जाना, जर्नी पे जाना। Let's hit the road मतलब चलो सफर स्टार्ट करते हैं, अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा है hit the hay. Hit the hay मतलब गहरी नींद से सोना, मतलब बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में आपके आसपास में क्या और अब कुछ पता नहीं। स्मैश हिट मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर था, बहुत ज्यादा हिट था। तो जो प्ले मैंने देखा लास्ट नाइट वॉज अ स्मैश हिट, फिट बैठ रहा है। हिट द रूफ, हिट द रूफ मतलब छत पर चढ़ जाना, तो सड़क पे जाना भी जो प्ले मैंने देखा वो सड़क पे जा रहा था, ऐसा तो नहीं है ना। हिट द है वो गहरी नींद में सोया हुआ था या वो छत पे चढ़ गया था, तो वो स्मैश हिट था, ऑप्शन सी इज करेक्ट। He is dash of many chain snatching cases in दरियागंज। कोई एक व्यक्ति है जिसके ऊपर चेन स्नैचिंग यानी कि चेन झपट्टे के केसेस हैं बहुत सारे, कहाँ पे? दरियागंज में। तो वो क्या होगा? Accused, accused मतलब आरोपी है। ठीक है, accused के स्पेलिंग होते हैं A double C U S E D, ये स्पेलिंग इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट इनकरेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Despite the setbacks and obstacles we faced, face से पता चल गया, despite the setbacks and obstacles we faced, past की घटना है, past tense आ रहा है। Our team relied together, relied again past tense, and achieved our goals, which teach us, teach us किसे आएगा जब past की बात हो रही है, which taught us the importance of teamwork, resilience and determination। ठीक है, जिन्होंने हमें सिखाया कि टीमवर्क का, रेजिलियंस का, डिटर्मिनेशन का क्या महत्व है। ठीक है, तो यहाँ पे टीच की बजाय क्या आएगा? टॉट आएगा। डिस्पाइट द सेटबैक्स टीमवर्क रेजिलियंस विच टीच टॉट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द क्वेश्चनेयर, क्वेश्चनेयर क्या होता है कि आप अपने जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो लिख के, जो जैसे अपने पास जो क्वेश्चन पेपर आता है वो क्या है? क्वेश्चनेयर है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सवाल लिखे हुए हैं जो पूछे जाने चाहिए या पूछे जाने वाले हैं, राइट? सो जो क्वेश्चनेयर है, क्वेश्चनेयर की स्पेलिंग देखो इनकरेक्ट है, डबल ए एन आता है क्वेश्चनेयर में, क्यू यू ई एस टी आई ओ डबल एन ए आई आर ई। तो द क्वेश्चनेयर यूज्ड बाय रिसर्चर वाज अ टॉप वाज ऑफ टॉप क्वालिटी, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर, जो सवाल रिसर्चर द्वारा पूछे गए थे, उसके द्वारा यूज किए गए, वो टॉप क्वालिटी के थे, राइट? तो यहाँ पे क्यू यू ई डबल एस, डबल एस नहीं आएगा, क्यू यू ई एस टी आई ओ एन एन ए आई आर ई, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्वेश्चनेयर। The career competition was the difficultest exam he had ever given. तो जब आप difficulty का स्तर बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा difficult था, तो उसको क्या बोलेंगे? Difficult test तो नहीं बोलेंगे, most difficult. Okay? क्या होगा? Most difficult exam he had ever given, कि उन्होंने कभी भी इतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं दिया था, आज तक के जितने भी एग्जाम उसने दिए थे उसमें से ये जो करियर कॉम्पिटिशन वाला एग्जाम था वो सबसे डिफिकल्ट था। ठीक है, तो करियर कॉम्पिटिशन वॉज डिफिकल्टेस्ट, अगेन इनकरेक्ट। दैट करियर कॉम्पिटिशन वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम दैट एनी He had ever given than any. अब ये जो than any है ये extra add किया गया है statement में, देखो than any नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि उसने अपने करियर में जितने भी दिए उनसे तो difficult है ही, तो than any लगाने का जरूरत ही नहीं है। ever given जो है वो उसी statement को justify करता है, तो ये incorrect है, superfluous से यहाँ पे than any का use। That career competition was the most difficultest, most difficultest, difficultest तो वर्ड ही नहीं है और मोस्ट के साथ में तो आएगा भी नहीं। दैट करियर कॉम्पिटिशन वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम ही हैड एवर गिवन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। श्वेता ऑर्गेनाइजेज द सेल ऑफ हैंडमेड पॉटरी एट अ चीप रेट। अब इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट idiom जो है हमें यूज करना है, तो आप चीप रेट में सस्ते दामों पर कोई चीज कर रहे हैं उसको क्या बोला जाता है? देखो हश मनी का मतलब क्या होता है, जो साइड
आपको होने के लिए, चुप रहने के लिए जो पैसा दिया जाता है उसको बोला जाता है हश मनी. गो फॉर अ सॉन्ग, गो फॉर अ सॉन्ग मतलब बहुत कम कीमत में कुछ चीज बेची जाना. तो यहाँ पे वो सेल्फ हैंडमेड पॉटरी की सेल बहुत ही सस्ते दामों पे लगा रही है, तो गो फॉर अ सॉन्ग. श्वेता ऑर्गेनाइजेस द सेल ऑफ हैंडमेड पॉटरी एट अ चीप रेट. हैविंग वंस केक एंड ईटिंग इट टू, यानी कि दोनों हाथों में लड्डू होना, ठीक है. मेकिंग अ फस आउट ऑफ समथिंग, यानी कि किसी बात का बतंगड़ बनाना, ठीक है, राय का पहाड़ बनाना. सो यहाँ पे ऑप्शन बी गो फॉर अ सॉन्ग इज करेक्ट. गिल्टी, गिल्टी मतलब ठीक है अपराधी, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा अपराधी का, उल्टा क्या हो जाएगा, इनोसेंट. सो रिस्पॉन्सिबल नो, इनोसेंट ऑप्शन बी इज करेक्ट. द कलर्स ऑफ द रेनबो सीम टू शाइन थ्रू द ट्रायंगुलर प्रिज्म As the sun hit the object, triangular, L-A-R, triangular, ये होते हैं स्पेलिंग. बाकी सबके करेक्ट हैं. रेनबो यहां पे गलत कर दी, यहां पे देखो रेनबो के करेक्ट हैं. सन, ये हमारे बेटे वाला सन नहीं, ये सूरज वाला सन है, ठीक है, तो ये सन इनकरेक्ट है. ट्राइंगुलर ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑब्जेक्ट, ओ बी जे ई सी टी, ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो यहां पे देखो करेक्ट है, बस ट्राइंगुलर की स्पेलिंग स्टेटमेंट में इनकरेक्ट है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. द इंटरप्रिड ग्रुप ऑफ एडवेंचरस, इंटरप्रिड मतलब कि बहुत ही करेजियस जो ग्रुप है एडवेंचरस का, क्लाइम द माउंटेन डिस्पाइट ऑफ बैड वेदर एंड रोड क्लोजर. जब हम डिस्पाइट का प्रयोग कर रहे हैं तो ऑफ साथ में इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है, डिस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं आएगा, केवल डिस्पाइट आएगा. तो जो करेजियस एडवेंचरस का जो ग्रुप था वो खराब मौसम और रोड पे जगह बंद होने के बावजूद भी माउंटेन पे चढ़ गया, तो डिस्पाइट, ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट. द एयरप्लेन फ्लोड ओवर द माउंटेन्स offering the passengers a breathtaking view of the majestic peaks below. तो फ्लोड ओवर नहीं आएगा, फ्लू ओवर आएगा, ठीक है, क्या आएगा, फ्लू ओवर, फ्लू बियॉन्ड, फ्लू ओवर द माउंटेन्स, पहाड़ियों के ऊपर से गुजरा. फ्लोड ओवर का मतलब क्या आएगा कि वो पहाड़ियों के ऊपर से बह रहा था, तो वो बह थोड़ी रहा था, वो उड़ रहा था, फ्लाई कर रहा था, तो फ्लू ओवर. एक्सटेसी, एक्सटेसी मतलब कि बहुत ही आनंदमय. अब इसका एंटोनिम बताना है तो यूफोरिया, यूफोरिया मतलब भी आनंद में ही. कोर्स, कोर्स मतलब रफ, रूड. नेचुरल मतलब प्राकृतिक. और डिस्पेयर, डिस्पेयर मतलब निराश, एकदम होपलेस. सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट. एज अ बॉय आई वॉज ऑलवेज एक्सप्लोरिंग लोनली प्लेसेस, नेग्लेक्टेड गार्डन्स एंड ऑर्चर्ड्स. बोल रहे हैं जब मैं छोटा यंग नौजवान बच्चा था, लड़का था, तब मैं अलग अलग जगहों को जाके एक्सप्लोर करता था, जैसे कि कोई गार्डन है खाली पड़ा हुआ जहाँ पे कोई नहीं जाता, कोई ऑर्चर्ड्स हैं, अनऑक्यूपाइड हाउसेस हैं, पैचेस ऑफ स्क्रब और वेस्टलैंड, इन जगहों पर मैं जाके उनको एक्सप्लोर करता था. द फील्ड्स आउटसाइड द टाउन, द फ्रिंजेस ऑफ द, फ्रिंजेस मतलब कोने, जंगल के कोने कोने जाके उनको देखता था. वन ऑफ माई रैम्बल्स, ऐसे ही जब मैं आरामदायक स्थिति में, रैम्बल्स मतलब कि आप मतलब प्लेजर के लिए बस ऐसे टहल रहे हैं, तो ऐसे टहलते टहलते कहाँ पे, द बंगलो, अब बंगलो के आसपास हो सकता है, बंगलो के अंदर हो सकता है, बंगलो के बाहर गार्डन में हो सकता है, बट कुछ भी बंगलो से रिलेटेड है. आई पुश्ड माय वे थ्रू द थिकेट ऑफ लेंटना बुशेस. बोल रहे हैं मैंने अपना रास्ता बनाया, घनी झाड़ियां थी लेंटना की, उसके बीचों बीच अपना रास्ता बनाया. एंड स्टम्बल्ड ओवर अ थिक स्टोन स्लैब, और मेरे पैर से कुछ टकराया और मैं गिर गया. स्टम्बल मतलब कुछ टकरा के गिर जाना, और बहुत मोटी सी वहां पे स्टोन की स्लैब थी. ट्विस्टिंग माई एंकल स्लाइटली एज आई फेल, और जैसे मैं गिरा तो मेरी एंकल जो है वो थोड़ी सी मुड़ गई. फॉर सम टाइम आई सैट ऑन द ग्रास मसाजिंग माई फुट, कुछ देर के लिए तो मैं घास पे बैठा रहा, अपने पैर को मसाज करता रहा. When the pain eased, I looked more dash at the stone slab and was surprised. बोल रहे हैं जब मेरा दर्द थोड़ा कम हुआ तो मैंने शायद ज्यादा गौर से देखा, looked more closely at the stone slab हो सकता है, carefully हो सकता है, तो मैंने उस stone के slab पे ज्यादा ध्यान से देखा और मुझे बड़ा अचंभा हुआ. किस बात का अचंभा हुआ, टू फाइंड दैट इट वॉज अ ग्रेव स्टोन, ये जान के कि वो एक ग्रेव स्टोन था, टॉम्ब था, टॉम्बस्टोन था, ठीक है. It was almost entirely covered by ivy. Ivy एक तरीके से लटकन वाली जो ऊपर चढ़ती है ना, झाड़ियों पे चढ़ जाती है,
बेल वाली जो झाड़ियां होती हैं उनसे कवर्ड था. Obviously, no one had been near it for years. जाहिर सी बात है, कोई आया नहीं होगा यहाँ पे सालों से. I tugged at the ivy and some of it came away in my hands. Tugged at मतलब मैंने खींचा, उस आईवी को मैंने खींचा और उनमें से कुछ जो है वो मेरे हाथ में आ गई. There was some dash lettering on the grave. Fainted हो सकता है, faded हो सकता है, स्मूथ हो सकता है, कर्सिव हो सकता है, मतलब कुछ लिखावट थी वहां पे उस ग्रेव के ऊपर. हाफ ऑब्सक्योर्ड बाय ग्रास एंड मॉस, जो कि घास और मॉस, मॉस मतलब कई जिसको बोलते हैं, तो घास और मॉस से वो कवर्ड थी, आधी कवर्ड थी. आई कुड मेक आउट अ नेम रोज बट लिटिल मोर, बोल रहे हैं मेरे को केवल एक नाम रोज समझ में आया, उससे ज्यादा कुछ नहीं. आई सैट देयर फॉर सम टाइम, मैं वहां पे कुछ देर बैठा. डैश ओवर माई डिस्कवरी, थिंकिंग ओवर माई डिस्कवरी हो सकता है, वॉचिंग ओवर माई डिस्कवरी हो सकता है, कुछ भी, मतलब जो उन्हें नई चीज खोजी है उसके लिए वो कुछ कर रहे थे, उसको सोच रहे थे, उसको समझ रहे थे. आई वॉज वंडरिंग वाई रोज शुड हैव बीन बारेड एट सो लोनली अ स्पॉट वेन देयर वॉज अ डैश नॉट फार अवे, बोल रहे हैं कि मैं बस ये सोच रहा था, इस हैरानी में था कि जो भी ये व्यक्ति हैं रोज नाम से, इनको यहाँ पे इतने दूर, इतने एकांत स्पॉट पे, इतने एकांत जगह में क्यों बरी किया गया होगा, जबकि इनके पास में ही थोड़ी दूरी पर कुछ था. ठीक है, वॉज अ डैश नॉट फार अवे. वन ऑफ माई रैम्बल्स डैश द बंगलो, बिफोर द बंगलो, बंगलो से पहले, बिहाइंड द बंगलो, बाय डिंट ऑफ द बंगलो या बिलो द बंगलो. तो बंगलो के पीछे की बात कर रहे होंगे, क्योंकि बंगलो से पहले की तो बात नहीं कर रहे होंगे. और बाय डिंट ऑफ मतलब होता है कि बाय द मीन्स ऑफ, तो बंगलो की मीन्स से मतलब क्या है यहाँ पे, यहाँ पे बंगलो बाय द मीन्स ऑफ बंगलो तो नहीं पेट्राफिट, और बिलो बंगलो के नीचे. सो यहाँ पे बिलो मतलब नीचे, तो यहाँ पे बिहाइंड फिट बैठ रहा है, बंगलो के पीछे की बात कर रहे हैं वो. फिर वेन द पेन ईज्ड आई लुक्ड मोर क्लोजली emptily, frankly या lawfully, तो मैंने ज्यादा पास जाके देखा, closely देखा है ना, closely मतलब पास जाके देखा. अब यहाँ पे emptily, emptily मतलब बिना कोई भावना के, बिना कोई feeling के, frankly मतलब स्पष्टता से, और lawfully मतलब कानूनी तरीके से. तो यहाँ पे बेशक उसने closely देखा होगा ना, सो गौर से देखा होगा closely. There was some dash lettering, idiotic मतलब बेवकूफी भरी, sturdy मतलब कठोर, ब्लड मतलब धुंधली हो चुकी, तो जाहिर सी बात है ग्रेव के ऊपर इतने सालों पुरानी लेटरिंग है तो वो ब्लर हो चुकी होगी. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, तभी उसको ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दिया. आई कुड मेक आउट अ नेम रोज बट लिटिल मोर. आई सैट देयर फॉर सम टाइम डैश ओवर माय डिस्कवरी, स्लीपिंग पॉन्डरिंग बीइंग पुलिंग. तो यहाँ पे सबसे बेस्ट जो फिट बैठता है वो है पॉन्डरिंग, जिसका मतलब होता है विचार करना. सो ऑप्शन बी पॉन्डरिंग ओवर माय डिस्कवरी. I was wondering why Rose should have been buried at so lonely a spot when there was a dash not far away. Dormitory, dormitory मतलब होता है जगह जहां पर बच्चे रहते हैं. Kennel, kennel मतलब होता है कुत्ते का घर. Sanctuary, bird sanctuary, animal sanctuary, अभ्यारण जहां पे पन्हा उनको safeguard किया जाता है. और cemetery यानी कि शमशान घर या कब्रिस्तान जिसको बोला जाता है, cemetery. Option D, cemetery is correct. That's all, आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.